अरमान घर छोड़कर जा रहा है नहीं जा रहा है, रोकेगा कोई उसे या वो अरमान चला जाएगा अभीरा को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं। ना तो अरमान सुनने को तैयार है और ना ही विद्या सुनने के लिए तैयार है, दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं, टिके हुए हैं। सही करने के लिए दादी सा तुरंत, आई डोंट नो कैसे उनकी सिक्स्थ सेंस जागती है या फिर उन्हें उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती है, दादी सा कॉल्स अब पंडित जी। ओह माय गॉड, अरमान और अभिया घर छोड़कर जा रहे हैं, डर गए आप? वेल, जो प्रोमो आउट हुआ है उसको देखकर कई सारे लोग डर गए, उनमें से एक मैं भी था। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी अपडेट्स देने वाला हूं जो कि इस सीन से जुड़ी हुई है। अरमान घर छोड़कर जा रहा है नहीं जा रहा है, रोकेगा कोई उसे या वो अरमान चला जाएगा अभिरा को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं। ये एक एक्सक्लूसिव अपडेट है जो इन डेप्थ अपडेट है इस सीन से रिलेटेड, क्योंकि ये सीन बहुत बड़ा है और सीन से कई सारी चीजें, कई सारे तार इधर उधर जुड़े हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, मैंने कल एक वीडियो में आपको बताया था कि अरमान और अभिरा घर छोड़कर चले जाएंगे। ये वो सीन था जब अभिरा थोड़ी सी रोमांटिक हो जाती है और उसके बाद अरमान को अपनी मॉम की बात याद आती है और उसके बाद वो बोलता है कि घर छोड़कर चलो। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जो मैंने कल भी बताया था कि हमारी जो दादी सा है, जिनके तेवर ही बदल गए हैं, दुनिया बदल गई, जज्बात बदल गए, बहुत सारी चीजें बदल गई, अब दादी सा इन्हें रोकती है। लेकिन रोकने का बहुत अनोखा तरीका दादी सा लेती है और वो ये कि दादी सा एक अर्थी लेकर आती है। यस, अब अर्थी लेकर आती हैं और अर्थी लाने के बाद एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर घर पे रख देती हैं जब अरमान और अभिरा घर छोड़कर जाने वाले होते हैं। बाकी के घर वाले उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन न तो अरमान सुनने को तैयार है और न ही विद्या सुनने के लिए तैयार है, दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अडिग हैं, टिके हुए हैं, माँ वर्सेस बेटा सिद्धांत, उसूल और प्यार को लेकर। अब ऐसे में घर के माहौल को सही करने के लिए दादी सा तुरंत, आई डोंट नो कैसे उनकी सिक्स्थ सेंस जागती है या फिर उन्हें उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी होती है, दादी सा कॉल्स अब पंडित जी। पंडित जी कम्स विद अर्थी और वहां पर वो मंत्रोच्चारण भी चालू कर देते हैं। अभी अर्थी किसकी है ये आप में से कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे, क्योंकि एक पिक्चर आउट हुआ था जो एक कमाल की फैन है, उन्होंने किया था, ये वो पिक्चर है। इस पिक्चर में भी अर्थी है और कोई लेटा हुआ है जूते से। अब उस ये बात है 3 दिन पुरानी, इसके बाद जब मुझे पता चला कि अर्थी किसकी है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि थैंक गॉड कोई मरा नहीं है, एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इज फाइन एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है। लेकिन ये अर्थी जो है ये उसूलों की अर्थी है, अपने आदर्शों की अर्थी है, उफ तुम्हारे उसूल तुम्हारे आदर्श वाली अर्थी है, जो कि विद्या जी की है। क्योंकि दादी सा विद्या को कहती है कि ये रिश्तों की अर्थी है विद्या, ये उन रिश्तों की अर्थी है जो पहले हम सब निभा रहे थे, तुम यानी कि स्पेशली विद्या जी निभा रही थी, और अब इस अर्थी के ऊपर अगर अरमान और अभिरा चले गए तो सारे रिश्ते इस अर्थी पर उनके साथ भी चले जाएंगे। और फिर इस रिश्ते में यानी कि उन लोगों के रिश्ते में क्या मतलब रह जाएगा, वेल दादी साहब मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ, आपने क्या सही बात बोली है और आपने क्या सही चीज पकड़ी है। क्योंकि विद्या को भी पता है कि ऐसी बात करने के बाद या ऐसी बात सुनने के बाद और ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखने के बाद कोई भी अपना जो मन है वो बदल लेगा, और वैसा ही होता है। गाइस, द गुड न्यूज इज कि अरमान और अभिरा रुक जाते हैं, वो घर छोड़कर नहीं जाते। क्योंकि एक तरफ जब ये अर्थी वाले सीन के बाद विद्या जी शांत हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, क्या बोलेंगी, वहीं पर दादी सा डांट डपट कर थोड़ी सी प्लानिंग, अच्छी वाली प्लानिंग करके घर वालों के साथ अरमान और अभिरा को घर में ही रोक लेती है। एंड दैट्स व्हाट द ट्विस्ट इज ऑल अबाउट। क्योंकि यहां पर अरमान और अभिरा जब घर पे रुक जाएंगे, रूही और रोहित भी ठीक हो जाएंगे, तब आगे एक बहुत जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आने वाला है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जो मैंने आपको कहा था ना, गुड बहू वर्सेस बैड बहू, या फिर काम की बहू और कम काम की बहू, ये ट्विस्ट वो तय करेगा। वो ट्विस्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द, मोस्ट प्रोबेबली आज ही के दिन। बट थैंक गॉड मेरी जान में जान आई जब मुझे पता चला कि अरमान और वीरा घर छोड़कर नहीं जा रहे। वेल, अगर चले भी जाते तो कुछ दिनों के लिए एक अलग माहौल में रहते, रोमांटिक सीन ज्यादा देखने को मिलते, अरमान और अभिरा के बीच की नजदीकियां और ज्यादा शूट होती। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।
और इसके अलावा अगर आप भी स्टार प्लस पर जो प्रोमो आया है ये रिश्ता क्या कहलाता है, अगर वो प्रोमो देखकर डर गए हैं तो डोंट वरी, नोबडी इज गोइंग टू लीव द होम, अरमान एंड अभिरा बोथ आर देयर। अब आते हैं कमेंट की बात के ऊपर। तो मेरा फोन कहाँ गया, मेरा फोन दूर पड़ा है, लेकिन एक फैन है जो किसी दूसरे शो की फैन है। अब उन्होंने, मैं शो का नाम नहीं लेना चाहता, उस फैन का भी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बेकार में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, लेकिन वो जो फैन है वो समझ रही होंगी कि मैं बात किसके लिए कर रहा हूँ। बार बार कमेंट कर रही है कि इस शो को उस शो के साथ जोड़ो मत, यानी ये रिश्ता क्या कहलाता है को उस शो से मत जोड़ो, ये रिश्ता उस शो की कॉपी होता जा रहा है, बहुत सारी चीजें बार बार सेम 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 कमेंट्स करती जा रही हैं। और उसके बाद कल उन्होंने बड़ी अजीब तरीके से मुझे एक मैसेज किया, जो मैसेज पढ़ने के बाद मैंने रिप्लाई नहीं किया, मुझे लगा कि मैं इस वीडियो के थ्रू ये रिप्लाई करूंगा। मैसेज में उन्होंने कहा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो फेक न्यूज से पढ़ रहे हैं, बड़ी अजीब न्यूज से पढ़ रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि क्या मैं फेक न्यूज दे रहा हूं? अगर आपको लिटरली लगता है तो प्लीज मुझे बोलिए कमेंट बॉक्स में, मैं अपडेट्स देना बंद कर दूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैं सही न्यूज देता हूं, आपको वो खबरें मैं ट्विस्ट पहले बता देता हूं जो आप देखने वाले हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेगा ताकि कम से कम मुझे अपनी सच्चाई का पता चल जाए। और ये सिर्फ एक फैन के लिए है जिसने ये बात ऐसी कही जिससे मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर वो इंसान आपकी मेहनत पर बार बार सवाल उठाता है तो आपको लगता है कि एक हद के बाद क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। और आप में से कई एक फैंस ने उन्हें भी कमेंट सेक्शन में लिखा है कि बार बार आप एक ही कमेंट क्यों करती रहती है। वेल, अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं तो आई एम सॉरी, बट उस फैन का नाम मैं नहीं बताना चाहता टू अवॉइड अननेसेसरी कंट्रोवर्सीज। मेरा जो सवाल था मैंने आपसे पूछ लिया, आई होप कि मैं सही खबरें देता हूं और आप लोगों को ये खबरें पसंद आती है। वेल, कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार, एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एक्सक्लूसिव अपडेट्स रिलेटेड टू योर शोज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके अलावा जाते जाते एक बहुत बड़ी सॉरी, कल मैं कमेंट पढ़ने वाला था, एक वीडियो हमने हमारी बात दी हुई थी कमेंट्स पढ़ने वाली, बट मैं नहीं पढ़ पाया। कोशिश करूंगा कि आज वो जो कमेंट्स थे वो सारी कमेंट्स के लिए एक अलग से वीडियो जरूर बनाए। जैसे वीडियो आएगा मैं जरूर उसे पोस्ट करूंगा कम्युनिटी में भी और इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी, ताकि आप सब लोग आपके कमेंट्स पढ़ भी सकें, दूसरे लोगों ने क्या कमेंट्स पढ़े हैं वो भी देख सकें और एक दूसरे से बातें भी कर सकें, बहुत सारी चीजें शेयर कर सकें। सो टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।